नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। विधायक श्री रामचंद्र यादव द्वारा चौपाल लगाकर सुनी गई जनसमस्या। रुदौली विधानसभा क्षेत्र ग्राम पंचायत रौजा गांव के पूर्व प्रधान श्री रामचंद्र यादव जी के शिव मंदिर के पास जन चौपाल लगाया गया, जिसमें ग्रामीणों ने अपनी समस्या रखी, जिसका निस्तारण विधायक श्री रामचंद्र यादव जी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कराने का आदेश दिया एवं रौजा गांव ग्राम पंचायत के सभी ग्रामीण रहे उपस्थित। अपने गाँव पंचायत के प्रधान जी का आभार व्यक्त करते हुए, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए कि आप सभी के नाते आज इस देश के अंदर में मोदी जी की जो मंशा थी, आपको जो मंशा थी, आप लोग जो कहते थे, आज कोई जाति धर्म मजहब का नहीं ध्यान रखा गया। आज किसान सम्मान निधि में कोई एक जात को, एक धर्म को नहीं, एक मजहब को नहीं, सभी किसानों के खाते में पैसा जा रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास सभी के खातों में जा रहा है, सभी सबको मिल रहा है। आज हिंदुस्तान की तरफ अगर पाकिस्तान उंगली उठाता है तो हिंदुस्तान का सैनिक उनको जवाब देता है और पाकिस्तान के मैदान में हमारे सैनिक चार मर जाते हैं तो मोदी जी सेना से कहते हैं, सेना को आदेश देते हैं और 40 मार देते हैं। आप लोग अरसे से खेलते चले आ रहे हैं। मस्जिद के नाम पर कभी हिंदू जेल जाता था, मंदिर के नाम पर कभी मुसलमान जेल जाता था। आज भारत के प्रधानमंत्री ने साबित किया है कि देश में मंदिर भी बनेगा और आज राम भला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा जब आप लोग देते थे तो दूसरी पार्टी के लोग कहते थे कि राम भला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये आपको चिहाते थे। 5 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास करके एक एक रुपये की बदमा करके जरा झंझट से दूर किया और आज एक मस्जिद का भी निर्माण हो, इसके लिए उसने भाइयों से बात करके मस्जिद के निर्माण का भी काम आपको झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, आज केवल देश का विकास कैसे हो सकता है, देश तरक्की कैसे कर सकता है, देश का किसान कैसे तरक्की कर सकता है, नौजवान कैसे तरक्की कर सकता है, माताएं बहनें कैसे। ऐसी ही बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।